मॉर्निंग गाइस। तो आज है 24 जनवरी और आज है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। तो आज मैंने फास्ट रखा है और आज थर्सडे है, तो मेरा हर थर्सडे को तो फास्ट रहता ही है और आज संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत है। और हमारे यूपी में इस व्रत को सकट भी बोलते हैं और काफ़ी जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ संकष्टी चतुर्थी वाले दिन पूजा होती है शाम को। और हमारे यहाँ संकष्टी चतुर्थी या फिर सकट को कैसे मनाते हैं, ये सब मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग संकष्टी चतुर्थी की पूजा कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का 2 बज गया है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बनाऊंगी शाम की पूजा के लिए प्रसाद। तो जो संकट चतुर्थी का व्रत होता है उसमें मेन प्रसाद जो है तिल और गुड़ से ही बनता है। तो मैं यहाँ पर प्रसाद में क्या क्या बनाऊंगी तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई में तिल को इस तरीके से डालकर मैं भून रही हूँ और ये जो तिल है ये 1/2 किलो तिल है और ये वाइट वाले तिल नहीं है, ये ब्लैक भी तिल नहीं है और ये मेरे घर के ही तिल हैं। ये मेरी मम्मी के यहाँ खेत में जो तिल होते हैं तो इन तिल का जो है छिलका नहीं निकला हुआ है, तो ये इस तरीके से दिख रहे हैं। तो मैं इनको यहाँ पर अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनने वाली हूँ, 4 या 5 मिनट ही लगते हैं तिल को भूनने में। तो ये तिल जो है भुन गए हैं, तो मैंने यहाँ पर ये गैस की दूसरी साइड में एक थाली रख ली है, तो मैं तिल को ठंडा होने के लिए इस थाली में कर रख दूंगी। तो जब तक तिल थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पर इसी कढ़ाई को मैंने यहाँ पर अभी साफ़ कर लिया है और इस कढ़ाई में मैं यहाँ पर गर्म करने वाली हूँ ये मावा। ये मैंने मार्केट से ही ख़रीदा है और ये फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो गया है। तो जब हम कढ़ाई में बड़े बड़े पीस डाल देते हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मैं यहाँ पर कद्दूकस कढ़ाई में ही मैंने रख लिया है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ग्रेट कर दूंगी। आप चाहें तो नीचे थाली में भी रख कर कर सकते हैं, बट मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा रिस्की है, कढ़ाई गर्म है और वहाँ पर कद्दूकस कर इस तरीके से मावा को कद्दूकस करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, बट मैं करती हूँ तो मुझे आदत है। और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी देर के लिए भूनने वाली हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया था तो ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। और बड़े बड़े पीस डाल दो, फ्रिज का रखा हुआ मावा फिर बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से चलाऊँगी। क्योंकि मार्केट का जो मावा होता है वो बहुत पतला ही होता है, वो रख कर जम जाता है, तो आप देख सकते हैं गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है और थोड़ी देर चलाने के बाद ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा। और हमें यहाँ पर बनाने हैं तिल के और मावा के लड्डू, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये मावा गर्म कर रही हूँ इस तरीके से और ये अभी अच्छे से अब गाढ़ा हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इस तरीके से इसे फैलाकर गैस से उतार कर नीचे रख देंगे और जब तक मावा ठंडा हो रहा है तो मैंने यहाँ पर ये मिक्सर जार निकाल लिया है और मैं यहाँ पर तिल डाल दूँगी इसमें। और हमें यहाँ पर तिल को पीसना है तो हम तिल को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हमें बस इसको हल्का सा दरदरा पीसना है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर तिल को किस तरीके से पीसा है। और यहाँ पर अभी मैंने इसको एक बार पीस लिया है, तो मैंने यहाँ पर एक ये बड़े साइज़ का बर्तन रखा है और आई थिंक आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा पास कर लिया है जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। आपको दिख रहा होगा कि थोड़े से तिल हैं पाउडर फॉर्म में चेंज हो गए हैं, थोड़े से दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अब ये पिसे हुए तिल हैं इनको मैं 2 जगह डिवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 2 तरीके का प्रसाद बनाना है, एक तो मुझे तिल और मावा के लड्डू बनाने हैं और दूसरा मुझे तिलकुट बनानी है। ये हमारे यहाँ सकट का प्रसाद होता है तिलकुट, और हम गणेश चतुर्थी है, संकट चतुर्थी है, तो हम गणेश भगवान का भोग तिल के लड्डू से लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़े से तिल एक थाली में कर लिए हैं और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर गुड़। तो मैंने यहाँ पर ये 3 बड़े से पीस गुड़ के लिए हैं और ये मेरे हाथ में ये पॉलीथीन के अंदर बंद है, यहाँ पर ये पत्थर का रोड़ा जो सिलबट्टा होता है वही है, ये हमारे यहाँ इसको रोड़ा बोलते हैं, तो मैंने इसको पॉलीथीन के अंदर बंद कर लिया है क्योंकि अगर डायरेक्ट पत्थर से इसको इस तरीके से अगर तोड़ो तो फिर गुड़ पूरा उसी पर चिपक जाता है, उसको बार बार निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और इस तरीके से अगर हम उसको करते हैं जैसे हम सिलबट्टे पर चटनी पीसते हैं,
इस तरीके से इसको हाथ से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसमें गुड़ मिक्स हो जाएगा और ये तिलकुट भी बहुत टेस्टी होती है। और जो सकट का प्रसाद होता है मेन तिल और गुड़ से ही बनता है, तिलकुट हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दूसरा फ्रेंड्स, इस तरीके से रोडा को पॉलिथीन में बंद करने का फ़ायदा यह है कि ये गंदा भी नहीं होता है, पॉलिथीन निकाल कर हम इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं और रोडा जो एकदम से अच्छे से क्लीन निकलेगा। तो मैंने यहाँ पर ये प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया है और मैं यहाँ पर इसको अभी हाथ से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दूंगी कि अगर जिससे कहीं पर अगर गुड़ नहीं भी मिला है तो अच्छे से मिल जाए। तो ये बनकर तैयार हो गई है यहाँ पर तिलकुट। और अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी तिल और मावा के लड्डू। तो जो तिल मैंने इसी थाल में रखे थे और उसके बाद ये मावा जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप लड्डू बना रहे हो मावा ज़्यादा गर्म क्या गुनगुना भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लगभग 300 ग्राम बूरा है मार्केट का और ये ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता, पिसी हुई इलायची, चिरौंजी और नारियल और थोड़ी सी किशमिश, इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं इसी थाल में डाल दूंगी। और उसके बाद अभी ये जो हमारे पास सारा सामान है इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। इसको मिलाने में बहुत कम टाइम लगने वाला है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग ये अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे क्योंकि ये स्पून से मिक्स होने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप इस तरीके से भी पहले भी चेक कर सकते हैं कि आपका सामान अच्छे से मिला है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप तिल और मावा के लड्डू बनाना चाहते हैं तो ये रेशियो एकदम परफेक्ट है और इस तरीके से आप भी लड्डू बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू जो है बहुत ही आसानी से बन रहे हैं और इस तरीके से मैं बाकी के सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे लड्डू बने हैं और ये एकदम परफेक्ट लड्डू बने हैं। जो तिल का बहुत टेस्टी वाला लड्डू होता है ये बिल्कुल वैसे बने हैं। ये खाने में बहुत अच्छे बने हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा ये 2 तरीके का प्रसाद तैयार हो चुका है, एक तो तिलकुट और दूसरा लड्डू। तो अब हम आगे के काम की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मावा की ही कढ़ाई है, इसको गैस पर गर्म करने के लिए रखा है और इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर चीनी क्योंकि मुझे प्रसाद के लिए बनानी है मीठी और फीकी पूड़ियाँ। तो अभी सर्दी है तो चीनी ठंडे पानी में घोलने में थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है, तो इसके लिए मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मीठी पूड़ी के लिए आटा एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है जिससे कि पूड़ियाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी। और उसके बाद ये जो मीठा पानी है इसी से मैं इस आटे को लगाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर ये आटा मैंने लगा लिया है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस पर हल्का सा ऑयल लगा दूँगी जिससे कि ये सूखे ना। और जो मीठी पूड़ी का आटा होता है इसको बहुत ढीला या फिर टाइट नहीं लगाया जाता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये फीकी पूड़ी के लिए भी आटा लगा लिया है। तो मैं यहाँ पर पहले बनाऊँगी मीठी पूड़ियाँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोई तैयार कर ली है और मैं यहाँ पर इसको बेल लूँगी। तो मीठी पूड़ी को चाहें तो गोल शेप में बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा लंबा करके बना सकते हैं ओवल शेप में। अभी मैं आपको बेल कर दिखाऊंगी कि मैंने कैसी पूड़ियाँ बनाई हैं, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पूजा में चढ़ती हैं इसी शेप की। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये पूड़ी बना रही हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी की और पूड़ियों को भी बेल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये और भी पूड़ियाँ हैं जिनको मैंने बेल लिया है, तो अब हम इनको सेक लेंगे। मैं यहाँ पर मीठी पूड़ी पहले बना रही हूँ क्योंकि मीठी पूड़ी को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ी सी मोटी बेली जाती है जैसे हम नॉर्मल सादा पूड़ी बेलते हैं। तो जैसे हम कचौड़ियाँ बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बेलते हैं और हम इसको इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे और इसके बाद हम फीकी पूड़ी भी सेक कर तैयार कर लेंगे जैसे कि हम बनाते हैं। और यहाँ पर ये पूड़ियाँ सेक कर हो गई हैं तैयार, तो आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं यहाँ पर इनको प्लेट में निकाल लूँगी और जो भी पूड़ियाँ बची हैं हम सभी को सेक लें। हेलो,
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शाम का 5:30 बज गया है और अभी मैंने बाल धोकर नहाया है और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैं अभी नहाकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर हीटर चलाकर बैठी हुई हूँ मेरे बाल सुखाने के लिए, और ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ी देर हीटर के सामने बैठूँगी तो ठंडी भी छूट जाएगी और मेरे बाल भी सूख जाएंगे। और मैंने पूजा की सभी तैयारियां कर दी हैं और जो भी प्रसाद वगैरह है, पूजा के बर्तन क्लीन करना है, पटा वगैरह है, मैंने सब कुछ मंदिर के पास एक जगह इकट्ठा कर रख दिया है। और जैसे ही मेरे बाल सूख जाएंगे तो मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी पूजा करने के लिए और आपके साथ भी आज इस वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा कैसे करती हूँ। और हमारे यूपी में इसे सकट भी बोलते हैं और सकट की भी पूजा की जाती है, तो वो कैसे की जाती है ये भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को तक देखते रहिए। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिख सकते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने पूजा के लिए प्रसाद में क्या क्या बनाया है, उसकी रेसिपी मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर कर दी है। और आज मैंने आपके साथ इसको एक ब्लॉग की तरह शेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि जो प्रसाद वगैरह है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने थोड़ी चीज़ें तो देख ली हैं कि मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है, और भी मैंने एक दो चीज़ और भी बनाई है, वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और मैं कैसे पूजा करती हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पूजा की सभी तैयारियाँ कर ली हैं और मैंने यहाँ पर चौकी भी लगा दी है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आसन बिछाया है। तो मैं कैमरे को थोड़ा सा पास कर लेती हूँ, उससे आपको अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक चौकी लगाई है जिस पर मैंने गणेश जी को विराजमान किया है, और उसके साथ ही इस साइड मैंने यहाँ पर ये दो आदमी जैसे बनाए, ये मैंने यहाँ पर घी से बनाए हैं, आपको शायद कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो आदमी जैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने सकट की पूजा करने के लिए बनाए हैं। और यहाँ पर मैं गणेश चतुर्थी की पूजा करूँगी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर पूजा की थाली में घी का दीपक, फूल माला, जनेऊ, रोली, चावल, चंदन और धूप बत्ती, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर कलश को स्थापित कर दिया है। जैसे नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया था चावल से, उसके बाद मैंने एक जल से भरा हुआ लोटा रखा है और लोटे के अंदर सुपाड़ी चावल एक सिक्का डालकर उसके ऊपर से प्लेट ढककर उसके ऊपर एक घी का दीपक रखा है। उसके साथ मैंने यहाँ पर एक लोटा जल रखा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ प्रसाद के लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं, तो मैंने अभी पूरी थाली रख ली है। और गणेश जी के प्रसाद में यहाँ पर मैं 10 लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। उसके साथ मैंने यहाँ पर ये लोटे में पंचामृत बनाया है जो कि ये गणेश चतुर्थी की पूजा में यूज़ होगा। उसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा प्रसाद 2 कटोरियों में अलग से रखा है, तुलसी दल और फल, दूर्वा घास, दक्षिणा। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक थाली में जो मैंने तिलकुट बनाई थी उससे मैंने यहाँ पर ये एक जैसे बकरा होता है, जैसे हम गोट जैसी शेप में, मैंने यहाँ पर ये इसको तिलकुट से बनाया है, इसको ही सकट की पूजा में बनाया जाता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक ये चांदी का सिक्का रखा है जिसको कि बेटे के हाथ से ही इसकी गर्दन पर चांदी का सिक्का चलवा दिया जाता है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये रखा है। उसके साथ यहाँ पर जो मैंने पूजा की फीकी और मीठी पूड़ियाँ बनाई थी, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले पूजा करना। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर संध्या आरती के लिए भी मंदिर में भी पूजा की सभी तैयारियाँ कर दी हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरे मंदिर की मैं संध्या आरती करूँगी जो कि मैं शाम को डेली करती हूँ। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर मंदिर में संध्या आरती कर दी है, और उसके बाद जो मैंने आज प्रसाद बनाया है शाम के टाइम, तिलकुट, लड्डू, मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, इन सभी चीज़ों का भोग मैं सभी भगवान को लगाऊंगी, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। तो मैंने जो कुछ बनाया है, मैं हमेशा जो भी बनाती हूँ तो भगवान जी का भोग तो लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा दिया है और आरती कर दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा करूँगी भगवान श्री गणेश की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दीपक को जला लूँगी और धूप को जला लूँगी, और सबसे पहले हम जल थोड़ा सा कलश पर छिड़केंगे भगवान श्री गणेश और गौरी का ध्यान करते हुए। और उसके बाद जो रोली है उससे मैंने एक स्वास्तिक कलश पर बना दिया है, और उसके साथ ही थोड़े से चावल हम कलश पर इस तरीके से लगाएंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा देंगे और जो मिठाई है हम उसको चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लड्डू को चढ़ा दिया है। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश का पूजन करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश पर थोड़ा सा जल छिड़केंगे, उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम
रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे और उसके पश्चात भगवान श्री गणेश को हम जनेऊ पहनाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बेटी है जो बीच बीच में बहुत शैतानी कर रही है, मान ही नहीं रही है और उसे पूजा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी कोई पूजा हो कुछ हो उसने सारे फूल ये भगवान श्री परी चढ़ा दिए थे धीरे धीरे कर, तो मैंने उसको भी यहाँ पर बोला कि चलो तुम भी साथ में पूजा कर लो। और उसके बाद हम भगवान को यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाएंगे और उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएंगे। भगवान श्री गणेश को दूर्वा घास बहुत ज़्यादा प्रिय है तो मैंने यहाँ पर ये दूर्वा घास भगवान श्री गणेश को चढ़ा दी है। और उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर फल अर्पण करेंगे, तो जो भी आप फल चाहें भगवान श्री गणेश को अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम वस्त्र पहनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ये पीले रंग का कपड़ा था भगवान श्री गणेश को चढ़ाया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कलावे का भी कपड़ा चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा जल छिड़क कर भगवान श्री गणेश की चरण वंदना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और अब हम यहाँ पर पूजन करेंगे सकट देवता का, तो जो मैंने घी से दो आदमी जैसे बनाए थे वो सकट देवता ही हैं, तो अब हम उनको रोली और चावल से उनका तिलक करेंगे। और उसके बाद हम भगवान को फूल अर्पण करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सकट देवता को फूल चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं अगर ये एप्पल को नीचे रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी बथुआ, ये सकट देवता की पूजा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे यहाँ पर बथुआ इसी तरीके से चढ़ाकर पूजा की जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे, भगवान की चरण वंदना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और उसके बाद ये जो मैंने तिल से ये जो बकरा बनाया था जो तिलकुट का, उसको हम भगवान को इस तरीके से अर्पण करेंगे। और मैंने यहाँ पर इसी बकरे के ऊपर इस तरीके से, ये मैं कैमरा थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर पांच जगह मैंने ये मीठी और फीकी पूड़ी इस तरीके से रखी हुई है। और हम जल को इस तरीके से लेकर थाली के ऊपर घुमा देंगे और उसके बाद हम संकट चतुर्थी व्रत कथा को हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये संकट चौथ व्रत कथा की किताब है मेरे पास, जो कि किसी भी पूजा की शॉप से आसानी से मिल जाती है। और कथा को पढ़ने के पश्चात ये दीपक हम थाली में रख लेंगे और अब हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे, सकट देवता की आरती करेंगे, कलश की आरती करेंगे और सभी देवी देवता को प्रणाम करेंगे। और आरती करने के पश्चात ये तिल के 10 लड्डू हैं, इसका भोग हम भगवान श्री गणेश को लगाएंगे। आज की जो संकट चतुर्थी व्रत है इसमें भगवान श्री गणेश को 10 तिल के लड्डुओं का भोग अर्पण किया जाता है। और आरती करने के पश्चात मैंने यहाँ पर ये पंचामृत बनाया था, उसका भोग हम भगवान श्री गणेश को लगाएंगे। ये भी भगवान श्री गणेश की पूजा में बहुत ही ज़्यादा खास होता है, तो मैंने यहाँ पर ये पंचामृत का भोग लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो तिल और गुड़ की तिलकुट बनाई थी इसका भोग भी मैं भगवान श्री गणेश को लगाऊंगी। और उसके बाद जो फीकी और मीठी पूड़ी है इनको भी मैं भगवान श्री गणेश को अर्पण करूंगी। और उसके बाद हम भगवान श्री गणेश की चरण वंदना कर लेंगे, उनको थोड़ा सा जल छिड़केंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस व्रत को स्वीकार करें और हमारे बच्चों को हर संकट से बचाएं। और पूजन करने के पश्चात ये मैंने यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल तैयार कर लिया है, तो जल के लोटे में मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा पंचामृत ही डाला है जो मैंने पहले से थोड़ा सा निकाल कर रख दिया था। और उसके बाद इसमें फूल और थोड़ा सा तिल का लड्डू डालकर रख दिया है, तो जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं चंद्रमा को अर्घ दे दूंगी। और सबसे लास्ट में हम कलश को चरण वंदना करेंगे, भगवान श्री गणेश को चरण वंदना करेंगे। और पूजन समाप्त करने के पश्चात मैं यहाँ पर बच्चों का तिलक करूँगी, क्योंकि आज का जो व्रत है इसे भगवान बच्चों को ऊपर आने वाले हर संकट को दूर करते हैं, परिवार के ऊपर आने वाले हर संकट को दूर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बेटी के हाथ में चांदी का सिक्का दिया हुआ है, तो जो तिलकुट का बकरा था उसकी गर्दन पर मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से चलवा दिया है। बच्चों को खाने के लिए मैं यहाँ पर प्रसाद दे दूंगी। सो फ्रेंड्स अभी मेरी पूजा हो गई है और अभी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रह गया है, क्योंकि अभी 7:00 बज रहा है और चंद्रमा निकलेगा लगभग 8:30 बजे। और पूजा करने के बाद अभी मैं फिर से यहाँ पर हीटर चला कर बैठ गई हूँ और मैं अपने लिए बना कर लाई हूँ चाय। तो मैंने जो तिलकुट बनाई थी और
तिल का लड्डू मैंने खोया डालकर बनाया था, तो मैं उसको अभी खाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं चाय ही पी लूँगी और इसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं अपने खाने के लिए, व्रत के लिए क्या बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि संकष्टी चतुर्थी या फिर सकट या की पूजा कैसे करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।